हेलो फ्रेंड्स, जय महाकाल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बैंक निफ्टी की बात करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप कृपया करके अपना पूरा टाइम दीजिएगा, क्योंकि वीडियो कोई 2-4-5 मिनट की होती है और 2-4-5 मिनट हम जरूर लगा सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। गेम खेलते हैं, वीडियो फेसबुक करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली चीज़ों को सम्मान देकर अगर हम उसका यूज़ करें तो वो आपके लिए बेनिफिटेड हो सकती है, क्योंकि हम भी तो आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो दोस्तों वो आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा, टेलीग्राम चैनल पर आप अभी तक हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर आप नहीं हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। इवन अगर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आप हैं तो आपको वीडियो मिल जाती है, आप उसको देख लेते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसेंट 35% का रिटर्न देके गया, धनलक्ष्मी बैंक 35% का रिटर्न देके गया दोस्तों, TCS 1950 रुपये से 2250 रुपये हो गया। मुझे नहीं पता कि आपने वीडियो देखी या नहीं देखी, बट हमने जो किया वो आपको पता है। हेडलबर्ग सीमेंट, बहुत सारी चीज़ें हमने वीडियो में डाली है। अभी हेडलबर्ग से रिसेंट वीडियो अपलोड की गई है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मिलता है, दोस्तों हमारे चैनल में आपको सब कुछ मिलता है, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हो, कुछ भी हो। इवन तो अभी हमने डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस भी देना चालू कर दिया है, चाहे वो सेल हो या बाय हो, व्हाटएवर, प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हिट कर दिया, ये जो TCS की वीडियो थी आपने देखा, और उसके बाद तो कल 2250-2235 के आसपास TCS का हाई भी है। ये वीडियो कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों, टेक महिंद्रा और दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो दोस्तों आई एम रेडी टू गिव यू सपोर्ट। इवन देखिए यहाँ पर लुपिन हमने लिखा था कि लुपिन इज स्टिल बुलिश बट देयर इज वन रेसिस्टेंस एट 846, इफ क्रॉस देन 878। ये सारे टारगेट आ गए दोस्तों। कल का जो भाव था ना, मैं आपको बताऊँ, 881.95 था, वहीं से ये स्टॉक घुमा है दोस्तों वापस 860 या 865 के प्लस क्लोजिंग है। दैट मीन सटीक लेवल की जानकारी दी है आपको और वहीं से स्टॉक घुमा है, वापस जाएगा नहीं जाएगा बात अलग है, बट घुमा। मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी 5475 के आसपास कुछ हाई मारे, वापस नीचे, और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप चाहते हैं अक्यूमुलेट करना तो आपको कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा था और दिवाली पर भी यही कॉल दिया था, और उसके बाद वो 8000 के टारगेट भी हिट करके गया, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो हमें क्या तकलीफ है, आप काम कीजिए, कॉल हम आपको देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपकी जानकारी के लिए, और आप चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं और बेइंतहा काम करके प्रॉफिट बना सकते हैं। 531 रुपये आपको देने पड़ते हैं। ये देखिए जो कॉपर का कॉल दिया था दोस्तों, 556 हाई था, अपडेट नहीं कर पाए। TCS का कॉल 63 से 90-95 रुपीस के आसपास हाई थे दोस्तों। टाइटन का कॉल 2700 रुपये से आपको 38, इसके बाद 45 रुपये हाई था दोस्तों, ठीक है। अर्ली बाउंस रॉकेट, ये जो कॉल था ये कम से कम आपको 34 रुपये के आसपास का हाई मारा है उसने, 8 रुपये से, सॉरी 24 रुपये के आसपास का। ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाले हुए हैं दोस्तों, तो इस तरीके से हम हेल्प करते हैं। अगर आप चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपके साथ है, हम भी आपके साथ है, बट अगर आप चाहे तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करके मोर देन अच्छा काम। दोस्तों देखिए, इस कैंडल पर मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि भाई ये जा सकता है, अगले दिन ही ऊपर गया, वापस नीचे डाउन हुआ, बट ये नीचे तोड़ा नहीं तोड़ा। अब आप बोलेंगे ये तो सब कुछ दिख रहा है, अरे भाई सब कुछ दिख रहा है, बात अलग है, बताने की बात जरूर होती है। और जिस भाई ने अगर इसको अक्यूमुलेट किया यहीं से तो भी उसने 300 से ज़्यादा पॉइंट कमा लिए, ये चाहे वो फ्यूचर्स की बात हो। अब मैं ऑप्शंस की बात करूँगा तो ऑप्शन इज टू मच वोलेटाइल रहेंगे, हमेशा रहेंगे, इलेक्शन का रिजल्ट आने दो तब तक रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे भाई साहब। तो प्रॉफिट तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बट वॉलीटिलिटी के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है हमेशा, तो वो रहेगी। अब सिंपल सी बात है कि भाई 29,800 से अगर आपको वापस से 300 पॉइंट भी खाने को मिले तो अगर मैं सोचूं कि अगर किसी ने फ्यूचर्स में ट्रेड किया तो उसको 6,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और अभी भी ये ऐसा नहीं है कि भाई यहीं थक गया, यहाँ थकेगा तब जब यहाँ पर जाके कुछ मजे करने को करेगा, बट अगर नहीं करेगा देन अगेन यू विल सी देन अगेन बैंक निफ्टी विल रीच 30,800 और अगर दोस्तों भैया 400 आ गई सीटें तो फिर 32,000 के लेवल कौन नहीं देख पा रहा, आराम से देखेंगे। तो हो सकता है कि भाई लोग पकड़ भी ना पाए स्टॉक और स्टॉक इतने तरीके से भागना शुरू कर दे, और हो सकता है कि जीत के बाद में भी स्टॉक मार्केट नीचे मिले। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तो जरूरी होगी ना, जो जिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, चाहे वो FIA हो, DIA हो, जो भी हो, वो भी तो कुछ पैसा घर लेके जाएंगे, तभी तो वो मोदी गवर्नमेंट की जीत को सेलिब्रेट करेंगे, पैसा घर लेके जाएंगे, तभी तो उससे मजा कर पाएंगे। अदरवाइज मान लीजिए किसी किसी
इतने नहीं है, किसी और भाई ने माल बेचना शुरू कर दिया तो हो सकता है वो भी ना बेच पाए और सेलिब्रेशन ना कर पाए। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि दोस्तों अगर ये यहीं यहाँ से चल रहा है और अगर क्रॉस करता है देन आप बेहिंतहा कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास है 30,300 का ऑप्शन है, चाहे वो लास्ट क्लोजिंग तक का क्यों ना हो, वो आप उसे अक्यूमुलेट करके रखे हैं तो कर रख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक मिनट के लिए आपको प्राइस देख कर बता देता हूँ दूसरे सिस्टम में से कि भाई अगर क्या हो सकता है, अगर मुझे वो कॉल अगर वो कॉल मेरे पास होल्ड में है तो। दोस्तों पर ये रहेगा एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अब सब्सक्रिप्शन बटन के पास सब्सक्राइबर बटन के पास जो एक नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है जरूर प्लीज़ उसे दबा के रखें। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई कोई भी वीडियो मिस ना होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र TCS या बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो मैं भूल चुका हूँ अगर वो मिस करते हैं तो दोस्तों उसमें आप ही का नुकसान होगा और मुझे नहीं चाहिए कि भाई किसी का नुकसान हो जावे। क्यों हो जावे, जब फ्री में मिल रहा है तो फिर कोई क्यों ना यूज कर पाए। दोस्तों 30,700 का कॉल जो कि मई सीरीज का है, 792 रुपये उसकी प्राइस है, 792, 6% कल के दिन में अपसाइड मिला। आप देखिए, आप वीकली पर कंसिडर करेंगे तो वीकली का जो ऑप्शन था वो भी बात करूंगा मैं आपके साथ, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन आपको 1200 से 1500 रुपये मिलेगा अगर ये 12,800 के भाव आ जाते हैं। दैट मीन्स 500 से लेके आपको 700 पॉइंट तक आराम से देखे जाएगा ये स्टॉक, ठीक है, सॉरी ये ऑप्शन, अगर इसी तरीके से मार्केट में मोमेंटम रहा तो। अब सेम पैरामीटर पर अगर हम बात करें 30,700 के कॉल ऑप्शन की जो कि मई सीरीज का है दोस्तों, तो मई सीरीज में आपने देखा होगा कि क्या हुआ, मई सीरीज वाले के दो मई बहुत दूर नहीं है, 1 मई को तो लेबर डे है, हम जैसे लोगों को मजदूर दिवस है बाद में। तो दोस्तों 24 तारीख को हमने वीडियो बनाई थी, 25 तारीख को उसने ओपन नीचे किया, फिर वापस 75 के आसपास ओपन किया और 126.90 रुपये उसका हाई मारा उसने मार्केट में, मतलब समझो कि 50 रुपये का गेन आपको उसने उस दिन भी दिया। देन वापस वो नीचे क्लोज हुआ और जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 34.60 रुपये थी। फिर अगले दिन वो वापस आपको 50 रुपये के आसपास ओपन हुआ और 82 तक के हाई उसने क्लोजिंग में मारे और लास्ट जो क्लोजिंग था वो 68 रुपीज़ था। दैट मीन्स वॉलेटिलिटी है दोस्तों, एक लॉट में बाय करना चाहते एक लॉट में करो, दो लॉट में बाय करना चाहते दो लॉट में करो, बट आप देख रहे होगी कि 50-50% बैंक निफ्टी घूम रहा है, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस घूम रहा है, 75 रुपये से लेके 125 रुपये हो जाना, दैट मीन्स 7-14 इन्हें ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा घूम गया है ये 75 यस, और यहाँ पर भी उसने इसी तरीके से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो ही रिस्क लीजिए और बेहतर काम करने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, मार्केट कभी भी नहीं मरेगा, क्यों, क्योंकि मार्केट चीज ही एक ऐसी है, बट हमें हमारे पेशेंस को और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को जीरो नहीं करना है, तभी हम ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आपने अगर मेरा स्क्रीनशॉट नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा कि कल का 26 का जो कॉल ऑप्शन था 148 रुपीज़ से 210 रुपये के सारे टारगेट खा के गया, उसके बाद तो 300 रुपये भी बिक गया। 11,700 का कॉल ऑप्शन था वो 46 रुपीज़ से 65 रुपीज़ हो गया, यानी 75 × 20 रुपये के आसपास, यानी 1500 रुपये का लॉट साइज वो भी है। तो अगर चाहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।